अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि टैक्स पेयर कौन होता है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे टैक्स पे करना पड़ता है, और इनकम टैक्स की रिटर्न जो हम लोगों ने फाइल करनी होती है वो रिटर्न क्या होती है, कौन कौन से ऐसे पर्सनस हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम टैक्स पेयर के डेफिनेशन देख लेते हैं कि टैक्स पेयर कौन होता है। टैक्स पेयर मीन्स अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। कोई भी ऐसा पर्सन जो इतनी अमाउंट जिसके पास है या जिसकी अर्निंग इतनी है जिस पर टैक्स चार्ज किया जा सके, वो टैक्स पेयर के अंडर फॉल करेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो उस टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी इनकम या जिसकी अमाउंट जो है वो चार्जेबल टू टैक्स है, वो रिप्रेजेंटेटिव भी टैक्स पेयर के अंडर फॉल करेगा। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो टैक्स डिडक्ट कर सके, टैक्स की कटौती कर सके, टैक्स को कलेक्ट कर सके, जमा कर सके एंड डिपॉजिट, या उसको डिपॉजिट करवा सके, जमा करवा सके गवर्नमेंट के साथ विद द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, वो भी आएगा टैक्स पेयर के अंदर। फिर हमारा जी फोर्थ वन आ जाएगा, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न और पे टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कोई भी ऐसा पर्सन जिस पर रिटर्न फाइल करना लाजिम है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है, वो भी हमारा आ जाएगा टैक्स पेयर के अंदर। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग पर्सन टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। अब हमारी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा जी, ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाएगा जी, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी जो एक टैक्स ईयर होता है, उस टैक्स ईयर के दौरान अगर उसकी टोटल इनकम उस अमाउंट से एक्सीड कर जाए जिस अमाउंट पर टैक्स लागू होता है, अगर उसकी इनकम उस साल में उस अमाउंट से एक्सीड कर जाए, तो फिर क्या होगा, उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब आ जाती है जी बात टैक्स ईयर क्या होता है। टैक्स ईयर जी एक नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, एक स्पेशल टैक्स ईयर होता है। 30 जून से लेके 1 जुलाई तक हमारा जो है ये एक टैक्स ईयर होता है। इस पर मैं एक स्पेशल नेक्स्ट अपनी वीडियो बना दूँगी टैक्स ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेकेंड आ जाएगा जी, एवरी कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनकम, हर कंपनी जो है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा। कोई भी अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है जो कि अप्रूव भी है, उसके लिए भी मस्ट है कि वो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे। एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज्ड टू टैक्स फॉर एनी ऑफ द टैक्स ईयर्स, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे 2 सालों के लिए जिसका टैक्स चार्ज किया गया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस टैक्स ईयर, वो भी क्या करेगा, अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा। एनी पर्सन हु क्लेम्स अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम अ प्रीवियस टैक्स ईयर, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने जो उसका प्रीवियस पिछला टैक्स ईयर था, अगर वो कोई उसने लॉस कैरिड किया है, वो आगे फॉरवर्ड हुआ है, तो वो भी इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल करेगा। अच्छा जी, इसमें कुछ और चीज़ें ये ऐड होंगी कि हर वो पर्सन जिसका NTN रजिस्टर्ड है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न मस्ट फाइल करेगा। इसके अलावा पहले इसमें था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट कोई लैंड ऑन करता है जिसका जो स्क्वायर यार्ड है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स अबव है, या कोई ऐसा फ्लैट जो कि विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स लोकेट करता है, तो वो क्या करेगा, अपनी रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन अब ये चेंज क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आ चुकी हुई है, तो कोई भी ऐसा पर्सन अगर वो इवन 1 मरला भी ओन करता है, लैंड है या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी है, तो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न मस्ट फाइल करेगा। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको टैक्स पेयर के बारे में बताया कि टैक्स पेयर कौन होता है, किस किस के लिए टैक्स पे करना ज़रूरी होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है। इसके अलावा मैं आपके साथ मज़ीद इनकम टैक्स के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आगे शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।